मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीकू शेक। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स। चीकू शेक बनाने के लिए हमें चाहिए चीकू, चीनी। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना चीकू शेक बनाना। चीकू शेक बनाने के लिए हमने ये दो चीकू ले लेने हैं। इसको हमने अच्छे से धो लेना है। अब इसको हम छीलेंगे। इसका छिलका हमने ऐसे उतार लेना है। हमने एक ग्लास जो है चीकू शेक के लिए, एक ग्लास हमने दूध का लेना है और दो चीकू लेने हैं। ऐसे हमने जो है चीकू को छील लेना है। ऐसे ही हम अपना दूसरा चीकू भी छील लेंगे। चीकू हमने दोनों छील लिए हैं। इसको हम बीच में से काटेंगे और इसका सीड निकाल लेंगे। कई बच्चे जो है फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो हम उनको शेक बना करके दे सकते हैं। बच्चे शेक जो है बड़े खुश होकर पी लेते हैं और ये बहुत ही चीकू शेक जो है टेस्टी बनता है। आप देख सकते हैं ऐसे ही हमने जो है सारे सीड्स अपने निकाल लेने हैं। सीड्स इसमें से निकल गए हैं। अपने मिक्सी के जार में हम इसको डाल देंगे। सारे चीकू हमने छील करके काट करके इसमें डाल देंगे। क्योंकि चीकू बहुत मीठा होता है, इसलिए आप इसमें मीठा जो है अपने हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कम जो चीनी पसंद करते हैं वो चीनी ना भी डालें तब भी बहुत अच्छा शेक बनता है। क्योंकि हम बच्चों के लिए भी बना रहे हैं और कई चीनी भी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम इसमें एक चम्मच से थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे एक ग्लास दूध का। हमने आप चाहें तो इसमें आइस डाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में चीकू होता है तो आइस जो है बच्चे कम लेते हैं, इसलिए हम विदाउट आइस इसको आज बनाएंगे। इसको हमने बंद कर लेना है और मिक्सी अपनी चलानी है। धीरे धीरे हम इसको चलाएंगे। एक बार फिर से हम इसको जो है चलाएंगे। इसको अब हम चेक कर लेंगे। ये शेक जो है चीकू शेक हमारा बनकर तैयार है। इसको अब हम सर्व करेंगे। शेक हमारा बनकर तैयार है, इसको अब हम सर्व करेंगे। सबसे पहले हम ग्लास के अंदर डालेंगे अपनी थोड़ी सी क्रश्ड आइस, थोड़े से कटे हुए चीकू के पीसेस, एक चम्मच वॉलनट यानी कि अखरोट कटा हुआ। इसमें अब हम डालेंगे अपना ये जो हमने चीकू का शेक बनाया है वो डाल लेंगे। थोड़ा सा चीकू और डालेंगे और ऊपर से वॉलनट से गार्निश कर देंगे। बच्चे इसको बहुत ही खुश होकर पीते हैं। किसी टाइम बच्चों के पास टाइम की कमी होने के कारण ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम ये एक ग्लास अगर चीकू शेक का ले लें तो ये बहुत सफिशिएंट होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, बहुत ही ये टेस्टी लगता है बच्चों को। इसे आप मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं। और अगर आप इसको चिल्ड पीना चाहते हैं तो आप बनाने टाइम इसमें 6 से 7 क्यूब आइस के डाल सकते हैं और ये चिल्ड ज़्यादा हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। अब मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।